इस बेल्ट को तो टाइट करते हैं नॉर्मली, और आप चला के देखें प्रेशर फील होगा। अगर आप और प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं तो इसको और आप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बाइसिकल मशीन बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, हमारा साइकिल इस तरह का दिखता है, और इसका जो टायर सामने के थे टायर रिम, तो मैंने इसको खराब हो गया था, उसको तो फेंक दिया है, और हमें इसका 21 रिम का इस्तेमाल करेंगे पीछे के लिए। तो देखिए, हम सभी में किसने खोल दिया है सामने का टायर और पीछे का टायर। तो सामने का टायर सिर्फ हमें पीछे का टायर इस्तेमाल करेंगे अभी। तो देखिए, मैंने इसको रिम को इस तरह से टाइट कर दिया है। इसको पहले खोल दिया था, खोलने पर इसको मैंने इस तरह से शेप काटिंग कर लिया है और इसको ड्रिल कर लिया है। तो मैंने इस तरह से लगा दिया है, और इसके ऊपर लगाने के लिए एक और मैंने रखा था। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह से रख दूंगा इस तरह से, और जब जहाँ पे होल था ना, वहाँ पे मैंने अभी नट बोल्ट की मदद से इसको टाइट कर लूँगा। तो हमारा टाइट कर लिया है, और हमें अभी इस तरह का दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है। आप चाहे तो इसे पेंट भी कर सकते हैं, अगर ऐसे ही ठीक लग रहा है मेरे को तो हम नोट देंगे। तो हम चलिए अभी फिट करते हैं। इसको टेम्परेरी हम फंसा देंगे ताकि हमारे डिस्टर्ब ना करें बार बार। तो देखिए, मैंने इसको वेल्डिंग कर लिया है। आपको दो वेल्डिंग करना पड़ेगा, एक ये है और एक और सामने वाला भाग रहेगा। इसको इस तरह से कर लिया हूँ ताकि हमारे सामने का फिक्स हो जाएगा। इसको ड्रिल भी कर लिया है उधर ही, और देखिए मैंने एक इस तरह का वेल्डिंग किया है, और ये रहेगा हमारा स्टैंडिंग पोजीशन के लिए। एक सामने रह जाएगा, ये पीछे रह जाएगा। ये वाला पार्ट जो रिम का जो था, इसको निकाल दिया हमें नट बोल्ट, और इसका इस्तेमाल करेंगे इसे फिक्स करने के लिए। इसे हम अभी इस तरह फोल्ड करेंगे, और इसके अंदर डाल के अभी इस तरह का बिठा लेना है। देखिए, ये इधर इस तरह सामने की ओर बैठ जाएगा, और ये इसके अंदर पाइप इसके अंदर चल जाएगा। और होल्डिंग के लिए ये जब इसको फिट करेंगे तब हमारे सामने आगे पीछे नहीं जाएगा, इस तरह होल्ड हो जाएगा। इसको अभी इस तरह फंसा लेंगे हम नट बोल्ट की मदद से। यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, और ये हमें नट बोल्ट की मदद से इस तरह इसको अंदर डाल देंगे, और हम इसे नट फिक्स कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे दोनों। उस तरह भी हम इस तरह ही टाइट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी उस उधर साइड का टाइट कर दिया है। अभी सामने का लग चुका है, और हम पीछे का लगाने जा रहे हैं। देखिए, अभी हमें इसको इस तरह से होल्ड करना है, और इसके अंदर डाल देना है हमें। तो नट खोल दिया हूँ पहले। नट खोलने पर देखिए, हमारा इस तरह फिक्स हो जाएगा ये दोनों तरफ पे, लगा दिया मैंने। अब इसको नट बोल्ट की मदद से हम टाइट कर देंगे, देखिए इस तरह से। और ये हमें इसको 90 डिग्री पे रखना है। बोर्ड के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे हम, इस तरह से लगाएंगे इसको। देखिए, ये हम नीचे टाइट फिक्स करेंगे, और इसको हम इस तरह लगा देंगे इस तरह से, ताकि हमारा ये अच्छे से फिक्स हो सके और कभी हिले ना। जो मैं स्टैंड रहता है उसका इस्तेमाल किया है, और इधर दो होल किया है एक्स्ट्रा, ताकि हमारे स्टैंड पे जब कोई एडजस्टमेंट करना हो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से सब टाइट कर लिया हूँ, और हमारा ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए, इधर मैंने इसको टाइट कर लिया है, यहाँ पे देखिए इससे टाइट हो गया है, और पीछे दिखा देता हूँ मैं पीछे से भी। देखिए, पीछे से हमारा इस तरह का दिख रहा है, देखिए, और हम जब चलाते हैं तो हमारा इस तरह का दिखता है। देखिए, सपोर्ट दे दिया है, और जब कोई पुश भी करेगा, फोर्सेबली करेगा, तो हिलेगा नहीं। अब देखिए, इसके हो जाना, हम अभी इसको प्रेशर किस तरह देना है उसके बारे में वीडियो बनेगा। इसको दो होल कर लिया है, हमें इतना लंबा ये पट्टा चाहिए होगा, ये इलास्टिक का है, देखिए हम स्ट्रेचेबल नहीं है,
फाइबर का इस तरह का होता है और हम इसे प्रेशर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब हम इसको अगर आप स्लोली कर इजीली मार पा रहे हैं पैडल तो आपको प्रेशर चाहिए, तो आप इसका टाइटिंग सिस्टम है ये, जब टाइट करेंगे तो आपको प्रेशर फील होगा। तो अब हम इसको दो यहाँ से देखिए यहाँ से नट फिट करके मैंने यहाँ ये रख दिया है और नट की मदद से नट बोल्ट की मदद से इसे टाइट कर लूँगा। टाइट कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से टाइट हो जाए। देखिए हमारा ये टाइट हो चुका है इस तरह से, और इसको हम एक कुछ स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम अंदर की ओर ढकेल लेंगे। देखिए मैं और यहाँ हम इसको इसके अंदर डाल लेंगे ताकि हमें जब हम इसको देखिए अब स्लो एकदम स्लोली घूमता है इजीली घूमता है टायर। देखिए हम जब प्रेशर लगाते हैं इजीली घूमता है, जब ये आप घिसते हैं इसको इस तरह से होल्ड करके जोर से घिसते हैं तो आपको प्रेशर फील होता है। देखिए देखिए आपको प्रेशर लगता है, इसलिए हम इसके यहाँ पे ये नट बोल्ट की मदद से इसको हम यहाँ पे होल्ड है इसलिए हम इसको यहाँ पे डाल देंगे और हमारा नटिंग नट फिटिंग सिस्टम रहेगा। देखिए इस तरह से आपको अगर ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो आप उसे ज़्यादा टाइट कर देंगे। देखिए गाइस मैं अभी इसे रबर ला दिया हूँ ताकि हमारा जो स्टैंड है ना साइकिल के लिए साइकिल में फिट हो जाए ये स्क्वायर टाइप में। इसको मैं अभी इसको उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ, चारों में डाल देंगे हम। देखिए हमारा मशीन चालू हो चुका है साइकिल मशीन। आप देखिए मेरा अभी प्रेशर कुछ नहीं है, मेरा पैरों में प्रेशर कुछ नहीं है। अगर आप प्रेशर चाहिए आप ब्रेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो नट जो मैंने बताया उसे भी टाइट करके आप प्रेशर बढ़ा सकते हैं। देखिए जब मैं प्रेशर को थोड़ा ब्रेक पे रखता हूँ तो प्रेशर थोड़ा बढ़ता है। देखिए देखिए प्रेशर बढ़ता है। अगर आप ये ब्रेक नहीं दबाना चाहते हैं तो आप एक काम करें, इसे आप यहाँ से देखिए आप इसको बेल्ट को थोड़ा नट टाइट कर दें, इस बेल्ट को तो टाइट करते हैं नॉर्मली और आप चला देखिए। अगर आप और प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं तो इसको और आप टाइट कर सकते हैं। ये टाइट कर दें इस तरह से और आपको ये प्रेशर लोड बहुत होगा। देखिए नॉट एबल टू डू दिस, इट्स गोइंग टू हार्ड। तो आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और फ्रेंड के साथ भी शेयर करते हैं। थैंक यू।